दोस्तों एंजल वन पे टीपिन कैसे जनरेट कर दिया वो मैं आपको इस वीडियो में प्रोसेस बताऊंगा। जैसे कि टीपिन की आवश्यकता आपको पड़ती है जब भी आप किसी शेयर को सेल करते हैं। जैसे हमारे केस में एआरसी फिन की एक शेयर है जिसे हम लोग को सेल करना है। जैसे मैं यहाँ पे सेल ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ शेयर कितनी सेल करनी है, जैसे 50 शेयर हमें यहाँ पर सेल करनी है। इसके बाद हम प्लेस सेल ऑर्डर का जो ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे दो ऑप्शन आ रहा है, पहला कि रीजनरेट टीपिन और दूसरा आ रहा है प्रोसीड का। तो अब यहाँ पे अगर आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपसे टीपिन एंटर करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपके पास में पहले से टीपिन है आपके पास में तो आप टीपिन डाल करके वेरीफाई करेंगे तो आपका जो शेयर है वो यहाँ पे सेल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए अगर आपके पास में पहले से टीपिन नहीं है तो आपको इसे जनरेट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने टीपिन को कैसे जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहीं पर एक अकाउंट का ऑप्शन मिलता है फुटर एरिया सेक्शन में, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अपनी प्रोफाइल आइकन जो यहाँ पे देख रहे हो आप, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे आपको एक डीमैट अकाउंट डिटेल का जो ऑप्शन मिल रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे इस पर क्लिक किया आपने तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन एक आ रहा है डीमैट अकाउंट नंबर / BU ID। देखेंगे ध्यान से यहाँ पे BU ID जो लिख करके आ रहा है और यहाँ पे कॉपी ऑप्शन है, जस्ट आपको कॉपी का जो ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका BU ID है यहाँ से कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आप बैक वापस आ जाएंगे, फिर से बैक आ जाएंगे। अब इसके बाद अपनी पोर्टफोलियो में चलेंगे, जिस शेयर को आप यहाँ से सेल करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में सेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इतना नंबर ऑफ शेयर कितना आप सेल करना चाहते हो उस शेयर का प्राइस शेयर यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। इसके बाद प्लेस सेल ऑर्डर के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो कि यहाँ पे रीजनरेट टीपिन का जो ऑप्शन है, अब आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे रीजनरेट टीपिन पर क्लिक किया, यहाँ पे टीपिन जनरेट करने के लिए आ चुका है। यहाँ पे प्रोसीड ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पर एक टीपिन वेरिफिकेशन OTP सेंड किया होगा, उस OTP नंबर को यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। जैसे आप उसे एंटर कर लेते हैं तो इसके अंदर वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में जनरेट टीपिन का ऑप्शन आ जाएगा, नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे जो हम लोगों ने BU ID कॉपी किया था उस BU ID को यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। जो आपका पैन नंबर है आपको अपनी पैन नंबर इस वाली बॉक्स में एंटर करनी है, जिस पैन नंबर के थ्रू आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया हुआ है। इसके बाद ये जो कैप्चा है, इस कैप्चा को इस बॉक्स में एंटर करके नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में आपके नंबर पे OTP सेंड की गई है, उस OTP को इस वाली बॉक्स में एंटर करनी है और इसके बाद में नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक किया, अब इसके बाद में जो आपका टीपिन है वो जनरेट सक्सेसफुली हो चुका है और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल ID पर जो आपका टीपिन है उसे यहाँ पर सेंड कर दिया गया है, जिसकी मदद से अब आप अपनी जो शेयर है उसे यहाँ पर सेल कर सकते हैं। अब इसके बाद में यहीं पर एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर टू गो लॉगिन पेज, अब आपको इस पर सिंपल सा क्लिक करना। अब अगेन आप यहाँ पे आ जाएंगे, अपनी नंबर ऑफ शेयर एंटर करके प्लेस सेल ऑर्डर पर सिंपल सा क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा जिस पर आप क्लिक करेंगे। अब आपको जो टीपिन मिला है आपके नंबर पे जो सेंड किया गया, उस टीपिन नंबर को यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई करेंगे। जैसे आपने वेरीफाई किया, इसके बाद में अगेन आपके नंबर पर एक OTP सेंड किया गया, उस OTP को यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आपने वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक किया, अब जो आपका स्टेटस है वो सक्सेस हो चुका है और ऑथोराइजेशन सक्सेस हो चुका है। अब आपका जो शेयर है यहाँ पे सेल हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका शेयर है यहाँ पे सेल हो चुका है, इमिडिएटली ऑर्डर सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप एंजल वन पे अपनी टीपिन जो कि जनरेट कर सकते हो, जिसकी कंप्लीट प्रोसेस हमने आपको इस वीडियो में बताया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।